हेलो ट्वेल्थ, वेलकम वंस अगेन। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। अब आते हैं हम डिटेलिंग में, ठीक है। अब हम ट्वेल्थ क्लास के अंदर एंट्री कर चुके हैं। वो पिछली वीडियो वाली बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, तो गाइज देखिए, यू विल लव दिस चैप्टर आई एम श्योर। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव ये इसका नाम है, टाइप ऑफ रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप से बातें करना, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पहले एक बात जानो, देखो जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा, आपको दो चीजें दी जाएंगी, एक सेट और एक रिलेशन, ठीक है। एक सेट आपको दिया जाएगा और एक रिलेशन आपको दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर ये दो चीजें आपको नहीं दी जाएंगी तो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ओके। तो सेट और रिलेशन दोनों आपको दी जाएंगी। चलिए जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। मैंने एग्जाम्पल लिए हैं बहुत सारे, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए और एग्जाम में जरूर लिख के आनी है अगर आए तो। देखो ऐसे इसकी डेफिनेशन है, फॉर ईच, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए कोई सेट है, हैं? इसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी बात हो रही है। एग्जाम्पल ए को लेके दिया जा रहा है, मान लो ए में ए बी सी है, तो जो ए के लिए वही बात बी के लिए भी होनी चाहिए, वही बात सी के लिए भी होनी चाहिए। बट एग्जाम्पल के लिए मैं एक एलिमेंट यूज कर रहा हूं, बट यहां लिखा है मैंने फॉर ईच। इस ईच का मतलब है कि ए में जितने भी मेंबर हैं सबके लिए, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंटों के लिए, ये वाली बात जो अब लिखने वाला हूं मैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब अगर सेट में 1 2 3 है तो 1 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ठीक है। अगर 1 2 3 4 5 है तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, सबका रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। इस ईच का मतलब समझ आ गया, सेट में जितने मेंबर हैं सबका सेल्फ रिलेशन ऐसे करके होना चाहिए। टीचर ऐसे भी लिख देते हैं ए रिलेशन ए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, एग्जाम में जरूर लिखनी है। अब देखो इसके एग्जाम्पल, ठीक है, पहला देखते हैं। देखो कोई लाइन है, क्या कोई लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है? भाई कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, यस। ये तो आपने 10th में सीखा था, और अगर भूल गए हो तो अब याद कर लो कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आगे लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 1, भाई ये लाइन 1 अपने आप के परपेंडिकुलर थोड़ी हो जाएगी। परपेंडिकुलर में तो दो चीजें चाहिए, पैरेलल में तो भाई ये हुआ होगा कि लाइन 1 अपने ऊपर ही लाइन 1 आ गई, है ना, कोइंसाइड जिसे कहते हैं, कोइंसाइड, तो वही है ये। लेकिन परपेंडिकुलर में तो दो लाइन तो चाहिए 90 डिग्री का एंगल के लिए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए इक्वल ए ऑफ कोर्स, ठीक है, 1 = 1, 2 = 2, my weight = my weight, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ए ग्रेटर देन ए ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या 1 > 1 है? नो, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्राइंगल सिमिलर टू इटसेल्फ, ऑफ कोर्स एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यस रिफ्लेक्सिव। ट्राइंगल congruent टू itself, यस, हर ट्राइंगल अपने आप के congruent होता है। एक्स वाइफ ऑफ एक्स ऐसे कैसे हो जाएगा? भाई भाई कोई बंदा अपनी ही वाइफ कैसे हो सकता है? तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये डेफिनेशन। ये डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में बैठी है और लॉजिक क्लियर है तो कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, ठीक है। चलो रिफ्लेक्सिव हो गया, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अगेन आपको सेट और रिलेशन तो दिए ही होंगे, तभी बात होगी। तो देखिए इसकी पहले डेफिनेशन, आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। फॉर ईच, यहां पर भी ईच है, इसका बड़ा मतलब है ईच का, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई सेट है ए, उसमें से कोई से भी दो मेंबर आपने उठाए, ठीक है, कोई से भी दो मेंबर आपने उठाए। अगर ए का रिलेशन बी से है, ए कॉमा बी आर इन रिलेशन, मतलब ए और बी रिलेशन के अंदर अवेलेबल है, देन तो बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। यानी दिस इज द डेफिनेशन, ऑलराइट, कि कोई से भी दो पेयर आर के अंदर अगर अवेलेबल है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो उसका उल्टा, उसका रिवर्स भी उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से बातचीत ओके होनी चाहिए। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए जी, देखो दो लाइन्स हैं, लाइन 1 और लाइन 2, इसके अंदर दो चीजें हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर सिर्फ एक थी, इसके अंदर दो चीजें आएंगी आएंगी जरूर, ठीक है, दो लाइन है। मान लो देखो पहली कंडीशन हम ट्रू मान के चलते हैं, ये बात ध्यान रखना, पहली कंडीशन हमेशा हम ट्रू मानते हैं। लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, सच है, वो तो दिख रहा है, इंप्लाइज। अब उल्टा करो, क्या लाइन 2 पैरेलल है लाइन 1 के? यस,
तो सिमेट्रिक है ना भाई, ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल है, तो एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। एक और देखो, ट्राइंगल वन सिमिलर है ट्राइंगल टू के, इसमें दो चीजें होंगी, ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू, वहां पर ट्राइंगल वन था रिफ्लेक्सिव में, तो अगर ट्राइंगल वन सिमिलर है ट्राइंगल टू के तो क्या उल्टा जरा चेक करो, क्या ट्राइंगल टू सिमिलर है ट्राइंगल वन के? यस, तो ये भी सिमेट्रिक है। अगर ए इक्वल बी है तो क्या बी इक्वल ए है? यस, ये भी सिमेट्रिक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या बी ग्रेटर देन ए है? नो, नेवर, ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर ए बड़ा है बी से तो बी थोड़ी बड़ा हो जाएगा, बी तो छोटा ही रहेगा। तो दिस कंडीशन, पहला पेयर तो रिलेशन में है, दूसरा उल्टा इसका देखा जाए तो वो रूल को वायलेट कर रहा है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। लाइन वन परपेंडिकुलर लाइन टू के साथ, ठीक है, तो क्या लाइन टू परपेंडिकुलर है लाइन वन के साथ? बात तो एक ही है, इसको इसके साथ परपेंडिकुलर बोलो या इसको इसके साथ बोलो, बात तो एक ही है, तो ये सिमेट्रिक है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, चलो जी मान लेते हैं एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी इससे ये पता चल रहा है कि ये फीमेल है और ये मेल है। अब इसका उल्टा करो, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, ऐसे कैसे हो जाएगा? जेंडर थोड़ी बदल लेंगे ये दोनों, हाँ, तो ये जेंडर चेंज नहीं कर सकते, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, तो यानी ये रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सारे एग्जाम्पल डेफिनेशन मेन है और इस ईच का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। हाँ जी, अब आ गया इसका ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो जरा इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। फॉर ईच, ईच का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ए बी सी, इसमें तीन चीजें होती हैं, बिलोंग करता है ए को, मतलब कोई सेट है उसमें से तीन मेंबर हमने उठाए ए बी सी, ठीक है। तो देखो यहां पर बड़ी अजीबोगरीब बात है, अगर ए कॉमा बी आर के अंदर अवेलेबल है एंड बी कॉमा सी आर के अंदर अवेलेबल है, इंप्लाइज तो ए कॉमा सी भी आर के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। ये एक डेफिनेशन है, इसकी ना तीन डेफिनेशन है, मैं अभी आपको एक बता रहा हूं, ठीक है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आई एम श्योर मैं आपको 100% क्लियर करके दूंगा, ओके। तो मैं एक बात बता रहा हूं, दो तीन बातों के लिए भी होल्ड करो अगले सेक्शन के लिए, मतलब इसी वीडियो के अंदर आएगा, चिंता मत करो। तो पहले एक बात सीखो आप कि ए बी सी सेट ए के तीन मेंबर है, ए का रिलेशन बी से है, ठीक है, और बी का रिलेशन सी से है, ठीक है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, अगर है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये एक बात है, ट्रांजिटिव होने की ये पूरी एक कंडीशन है। अभी दो कंडीशन और भी हैं कि कब कब और हो सकता है, उसके लिए अभी वेट करो, ओके। इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं, कहीं तुम अपने दिमाग में इसी को बिठा लो, ये तो बिठानी बिठानी है, दो बातें और भी हैं, उसके लिए होल्ड करो। चलो पहले एग्जांपल इसके जरा हम देख लेते हैं। देखो इसने कहा है कि लाइन वन अगर पैरेलल है लाइन टू के, दिख रहा है वो तो अच्छी बात है, और लाइन टू पैरेलल है लाइन थ्री के, वो भी दिख रहा है, इम्प्लाइज। तो देखो अब हमें देखना है कि लाइन वन पैरेलल होगी लाइन थ्री के, ऑफकोर्स होगी भाई, ये इसके पैरेलल, ये इसके, तो ये भी होगी, तो यस इट इज ट्रांजिटिव। आगे देखो, हाँ जी एक और, मान लो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो क्या ए इज इक्वल टू सी होगा? ऑफकोर्स होगा। अरे भाई ए का वेट सपोज करो बी के इक्वल है, इसका 50 किलो तो इसका ही 50 किलो, और बी का इक्वल है सी के तो इसका मतलब दोनों का 50 किलो, तो ए और सी भी तो इक्वल हो गए, तो ये भी ट्रांजिटिव है, ओके। और देखते हैं लाइन वन परपेंडिकुलर लाइन टू, जरा डायग्राम से देखते हैं, ये लाइन वन है परपेंडिकुलर हो गई लाइन टू के, ठीक है जी। लाइन टू परपेंडिकुलर लाइन थ्री, ये लाइन थ्री हो गई, लाइन टू परपेंडिकुलर लाइन थ्री, ये भी ठीक है। तो क्या लाइन वन परपेंडिकुलर होंगी लाइन थ्री? नो, नेवर, देखो मैंने कट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो पैरेलल हो गई, ठीक है। प्लेन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, 3D में पॉसिबल है, 3D के लिए वेट करो चैप्टर 11। तो प्लेन में ऐसा पॉसिबल, 2D में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। और देखो ट्राइंगल वन सिमिलर है ट्राइंगल टू के, ट्राइंगल टू सिमिलर है ट्राइंगल थ्री के, तो क्या ट्राइंगल वन सिमिलर होगा ट्राइंगल थ्री के? यस होगा, तो ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने की एक बात आपके दिमाग में बैठ गई तीन पेयर वाली, अभी दो बातें और हैं, ठीक है। तो आई होप ये तीनों बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आता है बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या क्या होता है, जहां रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों बातों को यस 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 बोले उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलराइट, चलो जी अब देखते हैं एक और बात। हाँ जी, अब आए आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते तो समझ लो आपको चैप्टर वन आएगा नहीं। मैंने स्माइलिंग फेस बनाया हुआ है, स्माइलिंग इसलिए क्योंकि आपको बड़े प्यार से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक रोने वाला फेस भी बनाऊंगा, वो क्यों बनाऊंगा वो आप खुद बताना मुझे कमेंट में। चलिए जी, तो ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो
तो याद रखना फाई को रिफ्लेक्सिव नहीं बोलते, क्योंकि फाई का रिलेशन फाई से तो हो ही नहीं सकता ना, फाई का रिलेशन फाई से नहीं हो सकता, सेल्फ रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। और इसका और भी एक रीजन है, इसको बोलते हैं वैक्यूस ट्रूथ के थ्रू, तो वो आगे की बातें हैं, जब मैथमेटिक्स में आगे जाओगे आप, बीटेक वगैरह में पढ़ोगे, लॉजिक वगैरह में, तो आगे आएगा, ठीक है। वैक्यूस ट्रूथ, वैक्यूस ट्रूथ एक्चुअली इट इज। अच्छा, ए क्रॉस ए, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। भाई आप ए की क्रॉस अगर ए में निकालोगे तो ए, देखो ए क्रॉस ए अगर निकालोगे मतलब इसी की क्रॉस इसमें, तो ए ए ए बी ए सी, फिर बी ए बी 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 सी, फिर सी ए सी बी सी सी, तो ए ए बी बी सी सी तो उसके अंदर आ ही जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव होता है। आगे देखो, ये बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ए ए बी बी सी सी, यस। क्यों? क्योंकि ए में तीन ही मेंबर है और तीनों का सेल्फ रिलेशन अवेलेबल है, ये रिफ्लेक्सिव है। ये बताओ ए ए, अच्छी बात है, बी बी, अच्छी बात है, सी सी, ओ सी सी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था फॉर ईच, यानी सेट में जितने मेंबर हैं उनका सेल्फ रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए। ए का है ए से, बी का है बी से, लेकिन सी सी मिसिंग है, और ये इनसे हमें क्या लेना देना, हमें तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पर ध्यान रखना है। तो दिस एंटायर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे देखते हैं, ए ए अच्छी बात है जी, मिल गया, बी बी ढूंढो, यस मिल गया, सी सी मिल गया। आगे आगे से हमें क्या मतलब, हमारी तीन चीजें, हमारे सेट में तीन मेंबर हैं, तीनों का सेल्फ रिलेशन अवेलेबल, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। चार होते तो चार हमें ढूंढने पड़ते। आगे देखो गाइस, ए बी बी सी ए सी, यहां तो एक भी नहीं है, यहां तो ए ए ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे देखो, ए ए अच्छी बात है, बी 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 नहीं है भाई, बाकी तो सब कुछ है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि ईच, उस ईच वर्ड का मतलब देखो, फॉर ईच, ऐसा नहीं है कि दो है एक नहीं है तो काम बन गया, ऐसा नहीं होगा, फॉर ईच, ठीक है। तो स्माइलिंग फेस, क्योंकि आपको सब कुछ समझ आ चुका है, है? चलो जी, अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। भाई फाई सिमेट्रिक रिलेशन होता है, क्यों भाई, फाई का रिलेशन फाई के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, फाई तो आएगा, है ना, फाई का रिलेशन फाई के साथ, तो ये सिमेट्रिक होता है। बट कोई एग्जांपल वगैरह इसका अगर मैं देना चाहूं तो वो वैक्यूस ट्रूथ के थ्रू मैं आपको दे सकता हूं, बट आपको ट्वेल्थ क्लास में जरूरत नहीं है। आगे देखो भाई, ए क्रॉस ए ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि जब ए क्रॉस ए आप निकालोगे तो ए का रिलेशन बी से, तो बी का ए से भी ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगा। ये देखो भाई, ए बी और बी ए सिमेट्रिक है। अब देखो इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो पहला पेयर है ए बी, उसका उल्टा होना चाहिए, है ना, मतलब मैंने दो मेंबर उठाए ए बी, तो बी ए होना चाहिए, अगर मैं उठाता बी सी तो सी बी होना चाहिए था, अगर मैं उठाता ए सी तो सी ए होना चाहिए था। यहां ईच का मतलब क्या है कि एक पेयर का रिवर्स होना चाहिए, तो यहां पे देखो बी सी का तो इस्तेमाल नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो डेफिनेशन है वो ये है कि फॉर ईच पेयर, हर एक पेयर के लिए उसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारे मेंबर यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोबारा दोबारा बता रहा हूं मैं, तो ये है। आगे देखो, बीसी इसका उल्टा सीबी, अच्छी बात है, बीबी का उल्टा तो खुद बीबी ही होता है भाई, बीबी का उल्टा अगर आप इसमें लिखना चाहो तो बीबी तो लिखोगे, लेकिन आपको मालूम है सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो बीबी को आप दो बार चाहकर भी नहीं लिख सकते, तो वो बीबी खुद अपने आप में सिमेट्रिक है। सीसी का उल्टा सीसी होता है, तो ये भी सिमेट्रिक है। आगे देखो, ए ए इसका उल्टा खुद ए ए, बीबी का उल्टा खुद बीबी, सीसी का उल्टा, ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि ए का रिलेशन ए से, तो इसका उल्टा लिखेंगे तो ए ए, तो वो तो लिख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि सेट में दो एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, तो ये अपने आप में सिमेट्रिक है। आगे देखो, ए बी का उल्टा बी ए है ही नहीं, बस आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले का ही उल्टा नहीं है तो बी सी का उल्टा चेक करने से क्या बेनिफिट। आगे देखो, ए बी का उल्टा बी ए, अच्छी बात है, अभी तक तो बातचीत बन रही है। ए सी का उल्टा सी ए नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, स्माइलिंग फेस, क्योंकि आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल पे, जो दो बातें रह गई थी बताने को। हाँ जी, अब आ गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो मजेदार चीजें आगे आगे चलती जा रही हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जरा इसको देखते हैं आराम से, ओके। देखो, वरिड एंड क्राइंग फेस मैंने बनाया है, क्योंकि इसको समझने के बाद आपका कुछ फेस ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बट टाइम लगेगा, जरा समझना ध्यान से। तो पहले आप इसे देखें, फर्स्ट सी दिस, ओके। आपको मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव के लिए मैंने एक केस तो आपको बताया था कि जैसे ए बी है तो फिर बी सी, तो ए सी का भी होना चाहिए। अब देखो और केस क्या होते हैं, वो एक डेफिनेशन थी अधूरी, अब पूरी डेफिनेशन अब होने वाली है। जैसे मान लो एक्स एक पेयर है ए बी, वाई एक पेयर है बी सी, और जेड एक पेयर है ए सी। तो अगर एक्स बी हुआ, सपोज करो न्यूमेरिकल में एक्स बी हुआ, वाई बी हुआ, जेड बी, तीनों अवेलेबल है, ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, ए का सी से, तो ट्रांजिटिव होगा, है ना, ये बात आप सीख चुके हो, अच्छी बात है।
अगर मान लो सिर्फ एक्स ही हुआ खाली, ए भी अवेलेबल है, ये दोनों है ही नहीं, मतलब पूरे रिलेशन के अंदर ए भी है बाकी बी से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो भी ट्रांजिटिव है। हाँ आगे चक्कर, तो ये डेफिनेशन है, वो मैंने आपको बताई नहीं थी, अब बता रहा हूं। क्यों का जवाब मत पूछना अभी, क्यों के लिए होल्ड करें, ये डेफिनेशन का पार्ट है। ठीक है, ऐसा हो तो भी ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, जैसे आपने यहां पर क्यों नहीं पूछा, तो ये भी डेफिनेशन का पार्ट है जो मैंने छुपा रखी थी आपसे। आगे देखो, अगर मान लो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब पहला पेयर ए बी नहीं है उसके अंदर, खाली ए है, मतलब ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, वो ही अवेलेबल नहीं है, तो भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसको देखते रहना जरा, तो ये तीनों केसेस में ट्रांजिटिव है। अच्छा एक केस, अगर मान लो एक्स अवेलेबल है, मतलब ए बी है, और वाई है, बी सी है, और जेड मतलब ए सी नहीं है, इस केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो जिसको ये बातें याद रहेंगी, ये ट्रांजिटिव की पूरी डेफिनेशन अब कंप्लीट हुई है कि तीनों पेयर होंगे तो भी ट्रांजिटिव, एक होगा तो भी ट्रांजिटिव, एक भी नहीं होगा तो भी ट्रांजिटिव, लेकिन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और तीसरी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसे याद रखना, ये मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल लूंगा मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ का। ठीक है, तो जरा इन बातों को देखो। अब इधर देखते हैं, मान लो कोई सेट मेरे पास है ए बी सी, देखो फाई तो होता है ट्रांजिटिव, ए क्रॉस ए बी होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, इसे देखते हैं, ए का रिलेशन बी से, मतलब एक्स अवेलेबल है, तो बी का रिलेशन ए से, कोई बात नहीं, वाई भी अवेलेबल है, ऐसा भी हो सकता है ए का बी से, बी का ए से, तो फिर ए का ए से, ये ए बी सी की जगह कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सी मतलब सी हो, तीनों नंबर अलग हो, ऐसा भी तो हो सकता है, वन का रिलेशन टू से और टू का रिलेशन फिर वन से, तो वन का भी वन से, तो तीन पेयर ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। ठीक है, ए का बी से, ठीक है, फिर बी का ए से, तो ए का ए से होना चाहिए, ये रहा अवेलेबल है, और ये क्या है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये ट्रांजिटिव है। आगे देखो, ए का रिलेशन ए से, मतलब पहला पेयर ही नहीं है यहां पर, ए बी जो होना चाहिए था वो ही नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो ये अपने आप में क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये है ही, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी है इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि यहां खुद अवेलेबल नहीं है। आगे देखो, ए का रिलेशन बी से, फिर बी का आगे होना चाहिए, यानी यहां एक ही पेयर अवेलेबल है, एक्स वाला, है ना, आगे बात बढ़ी नहीं रही, लेकिन तब भी ये ट्रांजिटिव है। आगे देखो, ए का बी से, फिर बी से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं है, या ए का सी से स्टार्ट, नहीं है, यानी यहां पर भी एक एक ही पेयर अवेलेबल है, ये भी अपने आप में एक ही है, आगे कोई लिंक नहीं बन रहा, ये भी अपने आप में एक है, आगे कोई लिंक नहीं बन रहा, मतलब ये वाली बात, एक पेयर सिंगल अवेलेबल है, इसको दो पेयर ना देखे जाए, क्योंकि दो पेयर जब माने जाएंगे, जब इसका लिंक इससे बनेगा, इसका लिंक इससे नहीं बन रहा है, इसका लिंक इससे नहीं बन रहा है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, इस वाली बात को देखते हुए, इस वाली बात को, अपने आप में एक पेयर है बस ए बी, इसका लिंक नहीं है, ये भी अपने आप में एक पेयर है, इसका लिंक नहीं है। आगे देखो, ए बी, ठीक है, फिर क्या है, बी का लिंक नहीं है, ये उल्टा है, या सी बी, फिर इसका लिंक, ये भी उल्टा है, ये भी नहीं है, दोनों एक जैसे ही हो गए। आगे देखो, ए बी, ठीक है, बी का लिंक सी से, बी सी, ठीक है, तो ए सी होना चाहिए, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लेकिन रिफ्लेक्सिव, एक्स्ट्रा अगर हो तो रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट हो। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है। ओके, क्योंकि देखो तीन तीन ब्रैकेट, तीनों का पेयर अवेलेबल है, ये एक बचा हुआ था, तो एक बचा होता है तब भी वो रिफ्लेक्ट, तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सी ए, ए का लिंक नहीं है, लेकिन अगर इसे यहां से देखें, बी सी, तो सी का लिंक सी ए, यानी दो पेयर आ गए, देखो उधर उल्टा पहले देखना है, बाद वाला पहले देखो, बी सी, अब सी से स्टार्ट वाला ये रहा सी ए, तो होना चाहिए बी ए, यानी यहां पे दो पेयर है, एक्स और वाई का लिंक अवेलेबल है, लेकिन इनका तीसरा जो प्रोड्यूस होना है वो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो गाइज देख लो, अब बताओ मैंने ये फेस ठीक बनाया या गलत बनाया, ठीक बनाया, तो आप इसे बार 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 देखो, समझ में आएगा ये सारे कॉन्सेप्ट। देखो अगर आपको लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो बड़े आराम से टाइम देकर इसको देखो। ठीक है, एक फंटेस्टिक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी देखेंगे। हाँ जी, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ये एग्जाम्पल हमने नहीं देखा तो सारी बताई हुई बातें हमारी फेल हो जाएंगी, तो ये देखना जरूरी है। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए एक फेस बना रखा है, लाफिंग फेस है, तो हैप्पी वाला भी हो गया, क्राइंग वाला भी हो गया, थोड़ा सा लाफिंग फेस आ गया, इसको देखने के बाद आपको हंसी जरूर आएगी। चलिए देखते हैं, तो ए इज इक्वल टू कोई सेट, मैंने आपसे कहा था कोई भी न्यूमेरिकल अगर आएगा रिलेशन में तो आपको हमें एक सेट दिया होगा और एक रिलेशन दिया होगा। ए दिया हुआ है सेट, ह्यूमन बींग्स है इन अ टाउन, मतलब एक टाउन है उसके अंदर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स है, मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है जी, कितने हैं हमें नहीं पता, बहुत सारे हैं। और एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, पेयर है ये एक्स कोमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स का रिलेशन वाई से, रिलेशन ये रहा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अच्छा, मतलब जो पेयर बनाना है इन ह्यूमन बींग्स में से, ऐसे पेयर उठाने हैं
कि ये इसकी वाइफ हो, ठीक है, ये रिलेशन हमें मेंटेन रखना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में तो सेल्फ रिलेशन चेक होगा, है ना, सेल्फ रिलेशन। तो मतलब एक बंदा कोई उठाओ, मान लो मैंने एक्स उठाया जो बिलोंग करता है टाउन को, कोई बंदा उठाया एक्स जो टाउन ए में है। अब इस रिलेशन के अंदर इस एक्स को चिपका दो, रिलेशन है एक्स इज वाइफ ऑफ, यहां पे एक्स आएगा वाई की जगह, क्यों, याद करो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एक्स का रिलेशन एक्स से होना चाहिए, है ना, सेल्फ रिलेशन, तो वाई हटके एक्स आएगा। अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ो और मन मन में थोड़ा सा हंसलो और सोचो क्या ये सच है, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, हाँ आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, खुद अपनी वाइफ थोड़ी हो सकता है। तो यानी दिस इज रॉन्ग, यानी x, x, यानी x का रिलेशन x से बिलोंग नहीं करता, रिलेशन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आ गया समझ, ठीक है, इसको देखते रहना। चलो जी अब आ गया सिमेट्रिक पे, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक में दो बंदे चाहिए, तो ह्यूमन बींग उठाओ दो, x, y बिलोंग करता है a को, रिलेशन के अंदर लगा दो x इज वाइफ ऑफ y। देखो पहला जो पेयर उठता है ना, पहला जो पेयर है उसे सच माना जाता है जब दो चीजें होती है, तो हमने ये मान लिया कि ये बात सच है, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। बट यहां पे तो सच हो नहीं सकती थी ना, क्योंकि दोनों ही सेम हो गए, तो सच कैसे मान लें, ये अपनी वाइफ तो नहीं हो सकती ना। तो जब भी लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव में उठाते हैं तो पहले पेयर को सच मान लेते हैं, तो दिस इज x इज वाइफ ऑफ y, मतलब ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये तो पता लग रहा है कि ये फीमेल है और ये मेल है। अब इंप्लाइज, अब इसकी डेफिनेशन लगाओ सिमेट्रिक की, उल्टा भी होना चाहिए, लिखो जरा, y इज वाइफ ऑफ x, ऐसे कैसे हो जाएगा, अबे जेंडर थोड़ी चेंज कर लेंगे ये दोनों, तो उसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y तो ठीक है, लेकिन ये तो गलत है, इसका मतलब x, y रिलेशन में है इंप्लाइज, लेकिन y, x अवेलेबल नहीं है रिलेशन में, ठीक है। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो आगे समझ, इसको देखते रहना है, थोड़ा से मुस्कुराते रहना। आगे देखो अब ट्रांजिटिव रिलेशन, ये मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देखते देखते बोर हो गए हो, इसलिए चैप्टर फर्स्ट स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं किया जाता, बट आई एम श्योर आप में से बहुत से बच्चों को मजा आ रहा होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसमें से मोहल्ले में से तीन बंदे उठाओ, ठीक है, मोहल्ला या कॉलोनी जो भी आप बोलते होंगे, तो लेट, क्योंकि ट्रांजिटिव में तीन बंदे चाहिए, एक्स वाई जेड उठाया और ये बिलोंग करते हैं ए को, ये उठाए हमने, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हम ट्रू मानेंगे, ठीक है, इसमें आपको और हंसी आएगी, देखो जरा, ठीक है, करेक्टर एसेसिनेशन होगा इसके अंदर। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर को, ये मैंने लिखा नहीं है, मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इसका मतलब है एक्स इज वाइफ ऑफ, चलो मैं लिख ही देता हूं वरना हंसी नहीं आएगी आपको, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, पहली बात मैंने लिखी, एंड है ना एक्स कॉमा वाई, अब वाई जेड, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ये कैसे हो सकता है भाई, अरे x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x कौन है फीमेल, y कौन है मेल, यहां बोल रहा है वाइफ इज वाई, y इज वाइफ ऑफ z, अरे इसने जेंडर थोड़ी चेंज कर लिया या फिर आदमी को आदमी से प्यार हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब यहां पर एक पेयर अवेलेबल है एक्स वाई का, ये पेयर है ही नहीं और तीसरा तो है ही नहीं, तो बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं, बोलो बोलो ट्रांजिटिव, हाँ है, नो बोलो, नो नहीं, यस दिस इज ट्रांजिटिव, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, दिस इज ट्रांजिटिव के भाई ऐसा क्यों, याद करो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, कि जब एक पेयर अवेलेबल होता है और दूसरा होता ही नहीं है तो अभी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग था, ठीक है, कंफ्यूजिंग था, लेकिन डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन है, एक तो तीनों पेयर हो तो भी ट्रांजिटिव, एक पेयर हो तो भी ट्रांजिटिव, एक भी ना हो तो भी ट्रांजिटिव, लेकिन अगर दो पेयर हो और तीसरा ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं होता, ठीक। चलो थैंक यू, इसे देखते रहना, थैंक यू सो मच, इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को कॉपी पे नोट करो और अब न्यूमेरिकल्स आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिलेशन के खत्म हो गए हैं, एक बचा है एंटी सिमेट्रिक, वो एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा एंड ऑफ द वीडियो, ओके। चलो थैंक यू सो मच।